मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के मित्तल ग्राउंड में MPL यानी मुमरा प्रीमियर लीग का मैच फाइनल आज खत्म हुआ। इस MPL मैच में 8 टीमों ने भाग लिया था, मगर जिसमें से रंजित राइजर्स और राबोड़ी स्टालियन का मुकाबला फाइनल में हुआ। मगर सबसे पहले इस MPL क्रिकेट की एक और जानकारी आपको देते हैं। इस मैच में महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की एक टीम ठाणे से और दूसरी टीम कालशेखर कॉलेज से थी। इनके बीच 4-4 ओवरों का मैच हुआ। ये महिलाओं की फ्रेंडली मैच थी जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए खेला गया। इस मैच में ठाणे महिला क्रिकेट टीम ने 2 विकेट गंवाकर 66 रन बनाए, तो वहीं मुमरा की कालशेखर कॉलेज की टीम ने महज 25 रन बनाए 2 विकेट गंवाकर। वहीं मुमरा कालशेखर कॉलेज की टीम की हार की वजह यह भी मानी जा रही है कि ये अभी नई टीम है और नए खिलाड़ी हैं, इसलिए इनकी हार हुई है। फिलहाल ठाणे की महिला टीम की कप्तान शीतल भाटगे ने क्रिकेट मैच जीतने के बाद क्या कुछ कहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है टीम को, हमें बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह से आप लोगों का ये खेल रहा, आप पहले भी इसके पहले खेल चुके हैं या आगे और भी कहाँ कहाँ पर खेले हैं आप? हम लोग इसके पहले भी खेल चुके हैं, 3-4 टूर्नामेंट्स खेले हैं हम लोग, और अभी वापस कल भी खेलने वाले हैं। और ये हम लोगों का दौर चालू ही रहेगा आगे तक, और इसके लिए हम लोग के सर हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग आगे जा रहे हैं, जरूर करेंगे। बहुत अच्छी तरह से हम लोग को मतलब अच्छा लगा यह टूर्नामेंट, आगे भी अगर हमें बुलाएंगे तो हम लोग जरूर आएंगे और अच्छी तरह से खेलेंगे, और पूरी टीम रेडी है आगे खेलने के लिए। तो जिस तरह से आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो महिलाएं इस क्षेत्र में पीछे हैं उनके लिए आप क्या? जैसे आज जो टीम आई थी वो उनके लिए मैं तो बहुत खुश होगी कि उनको उनका इंटरेस्ट पहली बार उन्हें मिला था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने खेला भी और उनका हौसला और बढ़ गया कि हमें और आगे खेलना है। तो इसीलिए जो यहाँ के जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने उनको जो चांस दिया है बहुत अच्छा किया उन्होंने, और ऐसे ही उनको आगे आने दो, ये मैं उनको ये करूँगी, गुजारिश करूँगी। वहीं रंजित राइजर्स और राबोड़ी स्टालियन के बीच जो मैच हुआ उसमें रंजित राइजर्स ने पहले बल्लेबाजी की जिसमें 1 विकेट गंवाकर 71 रन बनाए, तो वहीं राबोड़ी स्टालियन 2 विकेट गंवाकर महज 54 रन बना पाई और राबोड़ी स्टालियन को हार का सामना करना पड़ा। इस पूरे मैच में मैन ऑफ द मैच सीरीज अयूब शेख जो रंजित राइजर के कप्तान हैं उन्हें चुना गया, जो 114 रन बनाए और 8 विकेट लिए थे। इन्हें LED TV 32 इंच की इनाम में दिया गया। साथ ही विनर टीम रंजित राइजर्स को विनर कप और 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। वहीं हारने वाली टीम राबोड़ी स्टालियन को रनर अप कप और 50,000 रुपए का इनाम दिया गया। क्या कहा है रंजित राइजर्स के कप्तान अयूब शेख और राबोड़ी स्टालियन के कप्तान अख्तर शेख ने? हाँ, मेरी टीम का नाम है रंजित राइजर्स था और मेरा नाम अयूब शेख। चुना गया मतलब जितने के बाद सबको तो खुशी होता है, अभी चुना गया उसमें तो आइकॉन था क्योंकि वो टीम में हमारे गांव में वो टीम ही हम लोग का है, तो उसने मेरे को आइकॉन ही चुना, श्रीकांत भोईर जो हमारे ऑनर थे। वो अभी तो फिलहाल इधर नहीं है, वो केरला घूमने गए, लेकिन वो यूट्यूब पर लाइव तो देखते ही, तो उसको भी बहुत खुशी हुई। उसने पहले ही बोला था कि पहला प्राइज मार दो, बोला ये पहली बार हो रहा मुमरा में, तो ये अच्छे से अगले साल और अच्छा कुछ तो कुछ आपने को बोनस मिल जाएगा। जो टीम जीती है उसके लिए मैं कॉन्ग्रेट्स करूँगा, और जितने रन उन लोग ने मारे थे ये क्लाइमेट में वो रन ज़्यादा हो गए थे थोड़े, और उनका जो बॉलिंग अटैक था मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अटैक था, 60 रन होते तो शायद ये जीत जाते लोग मैच। इस प्रीमियर लीग क्रिकेट का मैच महिलाओं की 2 टीमें और पुरुषों की 8 टीमों में हुआ था, जो बड़ा ही दिलचस्प रहा। खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा, खेल में हार जीत तो होते ही रहती है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।